सैलड सूप्स मेन कोर्स डेजर्ट्स और उनको सिर्फ 399 देना है वेज के लिए और 499 देना है नॉन वेज के लिए। मुर्ग दम बिरयानी ये देखो भाई साहब, किचन के अंदर खड़ा हूँ और जहाँ पे आपके लिए तैयार किया जा रहा है सारा का सारा बारबेक्यू वाला स्नैक। अब ये देखो भाई दाल देखो, मतलब डिम सिम्स भाई, डिम सिम्स एक ऐसी डिश है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाके सिर्फ डिम सिम्स खाने जाओगे ना सिर्फ 4 या 5 पीस ही 500 रुपए का आते हैं और वहाँ यहाँ पे अनलिमिटेड मिल रहा है। बच्चों के लिए भी है, पिज्जा हो चाहे गोलगप्पे हो चाहे चिकन का आइटम हो नॉन वेज हो वेज हो। ये है भाई ब्राजीलियन चुरस्को, ये देखो भाई एकदम बढ़िया। तो भाई आज आपको लेके चल रहे हैं भाई एक बारबेक्यू खिलाने के लिए, और ऐसा बारबेक्यू जो भाई जहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों सेम रेट पे मिलता है। और दूसरी चीज़ कहाँ पर आया मैं बताता हूँ, BBD यूनिवर्सिटी के जस्ट ऑपोजिट क्राउन मॉल है उसके फर्स्ट फ्लोर पे आपको आना है। और भाई पेपर्स बारबेक्यू इंडिया, जी हाँ यही नाम है। और आज हम यहाँ पर ही आपको दिखाने वाले हैं बढ़िया से जायके ऑफ लखनऊ, और शेफ जुल्फिकार हुसैन जिन्होंने यहाँ का मेन्यू डिज़ाइन किया उनके साथ कुछ बातचीत भी करेंगे और टेस्टिंग भी करेंगे। तो भाई साहब ग्रिल्स शुरू हो गए हैं, क्या ही है भट्टी चिकन मुर्गी, बेल पेपर पनीर टिक्का, अच्छा ओए होए होए मशरूम टिक्का, अरे वाह भाई सोया चाप, बस और मत डालिए क्योंकि वेज ज़्यादा नहीं खाएंगे हम, नॉन वेज खाएंगे। प्रॉन्स भाई दिखा देता हूँ मैं, ये देखो गाइस ये तंदूरी प्रॉन्स है बट मैं ये खाता नहीं तो अभी ले जाओ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है और इतने कम प्राइस के अंदर आपको मिल रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ बेस्ट चीज़ है। वेज और नॉन वेज दोनों का रेट सेम है, 666 प्लस टैक्सेस। इसी से स्टार्ट करते हैं भट्टी मुर्ग से, और ये आ गए भाई मटन सीख, भला ये तो है ही भट्टी में पक रहा है धीरे धीरे खाने का इन्जॉय है ही, बट इसके अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो अलग से सर्व की जाती है, जैसे चटनीज़ है गोलगप्पे, भाई साहब शुरुआत मेरे ख्याल से गोलगप्पे से करनी चाहिए मन्नी। ओ भाई तो ये एक गोलगप्पा बढ़िया से इन्जॉय करते हैं। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ फूड मिलेगा। कहाँ पर आए भाई, पेपर्स बारबेक्यू इंडिया जो मैंने पहले शुरू में बताया आपको कहाँ पे है वो भी बताया, बहुत इजीली आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हो। एकदम जूसेस देखिए देखिए टपक रहे जूसेस भाई, फूड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर फ्लेवर्स हो। ये सब तो ग्रिल्स हैं जो आपको नॉर्मली मिलेंगे, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मेन कोर्स। बट अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी कुछ नॉन वेज डिशेज भी हैं जो डायरेक्ट प्लेट में आती है तो वो भी आपको दिखाता हूँ। ये है भाई ब्राजीलियन चुरस्को भाई, इसका जो मैरिनेशन होता ना भाई बस एक ही बहुत है, वो फिश ले आना भैया। भाई सब कुछ खाएंगे ना, जब पैसे दे रहे हैं तो दबा के खाएंगे, अनलिमिटेड खाएंगे। और ये देख भाई इसका जो मैरिनेशन है ना भाई बहुत ज़बरदस्त होता है और ये काफ़ी चटपटा तीखा होगा। अच्छा जी फिश भाई साहब, अरे वो तो उसका तो भाई हम टाटर सॉस के साथ खाएंगे, बट पहले फ़िश की क्वालिटी भी देख लें। ये देखो भाई एकदम बढ़िया फ्रेश और एकदम वाइट रंग की पिज्ज़ा भी है भाई, क्या क्या रखा हुआ है तो देखिए, कौन सा पिज्ज़ा है, वेज वेज पिज्ज़ा आ गया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों के लिए सामान है, बच्चों के लिए भी है, पिज्ज़ा हो चाहे गोलगप्पे हो चाहे चिकन का आइटम हो नॉन वेज हो वेज हो हर एक चीज़ है। ये देख भाई, भाई एक चीज़ ख़त्म होती नहीं है दूसरी आ जाती है। अब ये देख रहे हो भाई स्टाइल देखो पिज्ज़ा का, तो सॉरी मोमोज का, डिम सिम्स कहते हैं सर। और ये भाई हमारा पिज्ज़ा, अब इस बेचारे को क्या बताएगी मेरे पेट में जाने वाला है ना, क्यूट और सा सॉसेस लगाएंगे। ओ भाई अमेजिंग अमेजिंग डिमसम्स। और भाई अगर मैं बात करूँ ना तो जो इसकी कोटिंग है वो आलू के स्टार्च से बनती है और ये खाने में भी काफ़ी आपको हेल्दी लगेगा, बट वही चीज़ है मैं इतने सारे मतलब कि ऐसे बारबेक्यूज़ के अंदर मैं गया हूँ जहाँ पर जो खाना है ना वो ठंडा सर्व करते हैं, मज़ा नहीं आता क्योंकि वो क्या करते हैं बना कर रख देते हैं, जैसे ही कस्टमर आएगा तब उसके बाद आपको सर्व करेंगे, बट ट्रस्ट मी इतना गर्म है कि एक बारी में खाने जा रहे हो बार बार ब्रेक लेना पड़ रहा है। भाई चीज़ बढ़िया है, फैमिली के साथ आओ इसको इन्जॉय करो, मतलब 666 के अंदर मुझे नहीं लगता कि लखनऊ के अंदर क्राउन मॉल के अंदर कोई भी ऐसा कुछ आइटम देते भी रहो यहाँ पे। तो एक काम करते हैं इसे करते ख़त्म और फिर मिलते हैं आपको सीधा मेन कोर्स में, क्योंकि मेन कोर्स दिखाऊंगा पूरा, क्योंकि पूरा स्प्रेड लगता है
पिज्ज़ा का सेक्शन अलग है, मोमोज का अलग है, हर एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। तो पहले मैं इसे तब तक ख़त्म करता हूँ। तो भाई शेफ़ जुल्फ़िकार भाई, क्या चीज़ बनाया यार आपने, है क्या चीज़ बनाया। लखनऊ के अंदर आग लगा रखी है इस बंदे ने। कहीं भी चले जाओ ना, इतना सारे रेस्टोरेंट्स हैं इनके, मतलब इन्होंने मेन्यू डिज़ाइन किया, सब कुछ किया है। तो आज हम इनके रेस्टोरेंट में आए हैं, और भाई आप बताओ कि आज क्या स्पेशल है। सर वैसे तो मैंने पूरा मेन्यू जो बनाया है, हाँ। चीज़ें मुझे पसंद हैं खाने के लिए, मैं वही अपने लोगों को खिलाना चाहता हूँ। अच्छा। अपने गेस्ट को खिलाना चाहता हूँ। आई नेवर बिलीव के हम कुछ कम कॉस्टिंग रखें या जिसमें पैसे बचते हो वो चीज़ें रखें। हमारे मेन्यू में आपको वो पूरी वैरायटी मिलेगी। तो आप ये देख सकते हो भाई, सैलड्स देखो, आपकी वैरायटी ऑफ सैलड्स देखो। तो ये देखो भाई, लेबनीज डिप्स भी रखी हुई है, सैलड्स है, वैरायटी ऑफ सैलड्स है। अगर क्योंकि आजकल बंदा हेल्थ कॉन्शियस हो गया तो उसको हर जगह पे चाहिए। मूंग दाल का हलवा साथ में गुलाब जामुन और सूप भी है। और ये देख रहे हो आप, मतलब एक खास चीज़ देखो भाई। जरूरी भाई एक बात बताओ, ये क्वांटिटी ऐसी रहती है, कम रहती है? सर हम बुफे में क्वांटिटी कम रखते हैं, फ्रेश बनता रहता है। जैसे अच्छा। आला कार्ट बनता है, वैसे ही हम फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश डालते हैं जैसे ही कुछ खत्म हो गया, और उसको रिफिल कर देंगे। कि बुफे एक घंटे पहले से रखा हुआ है, उसमें जो एक फ्रेशनेस है वो खत्म हो जाती है। अमृतसरी छोले है, आलू गोभी अदरक ही है भाई। और ये देखो भाई, ये आ गया भाई पनीर तवा खुरचन दाल मखनी। और ये भाई साहब तंदूरी वेज बिरयानी, भाई तंदूरी वेज बिरयानी, ये आप सही समझ रहे हो। साथ में राइस है, साथ में हमने वेजिटेबल थाई करी है, ग्रीन थाई करी है, पास्ता है बच्चों के लिए, और स्पेगेटी है। मतलब कि मैं ये देख रहा हूँ कि वैरायटी ऐसी है कि छोटे से लेकर बड़ा ऐश कर सकता है। चिकन टॉमयम सूप है सर। अच्छा, चिकन टॉमयम सूप है। और ये आ गया भाई हमारा ऑथेंटिक अवधी नहरी। अच्छा जी, और कढ़ाई चिकन आ गया, साथ में मुर्ग दम बिरयानी। ये देखो भाई साहब मुर्ग दम बिरयानी, और ये है फिश इन लेमन बटर सॉस, और साथ में भाई चिकन नासी गोरंग जो कि मलेशियन डिश है। मतलब प्राइस तो मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ मैं, एक बार शेफ से एक बार पूछ लेते हैं। लंच में आप आओ किसी भी टाइम, 666 प्लस टैक्सेस है, टैक्सेस मिलने से 5% जीएसटी, वी डोंट चार्ज सर्विस चार्ज, डोंट चार्ज। क्या बात है, आजकल तो रेस्टोरेंट लोगों को बोलना पड़ता है भैया ये सर्विस चार्ज हटाओ यार। तो सीरियसली कह रहा हूँ भाई, 666 के अंदर अनलिमिटेड फूड, पिज्ज़ा, डिम सिम्स एक ऐसी डिश है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाके सिर्फ डिम सिम्स खाने जाओगे ना, सिर्फ 4 या 5 पीस ही 500 रुपये आते हैं, और वहाँ पर अनलिमिटेड मिल रहा है, पिज्ज़ा भी मिल रहा है। मतलब ऐसी ऐसी वैरायटी, सेक्शन अलग रखे हुए हैं ऐसी ऐसी वैरायटी की, कोई बंदा नहीं सोच सकता कि कोई बारबेक्यू के अंदर ये सब चीज़ें दे भी सकता है। ओल्ड डेजर्ट्स, अब इसके अंदर भी 12 तरीके के मीठा है आपके लिए खाने के लिए। आइसक्रीम्स हैं अलग से, फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम 3 फ्लेवर मेरे को दिख रहे हैं इसके अंदर। गोलगप्पे है, 2 तरीके का पानी है फ्रेश, और ये फ्रेश पिज़्ज़ा बन रहा है। और इनका जो ओवन है वो भी स्टोन ओवन है, वहाँ पे पकेगा बढ़िया से, और 5 मिनट के अंदर गर्मा गर्म पिज़्ज़ा आपके टेबल पे। किचन के अंदर खड़ा हूँ, और जहाँ पे आपके लिए तैयार किया जा रहा है सारा का सारा बारबेक्यू वाला स्नैक्स, जो आपकी टेबल के ऊपर जो आता है ना, तो उसको पहले ये किचन के अंदर डन कर लेते हैं, और उसके बाद ही आपकी टेबल तक आता है। तो ये एक चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जो लार्ज क्वान्टिटी में बना कर रख देते हैं, क्योंकि पता कि भैया कोयला लगना ही आपके टेबल पर, तो वहीं पर ही गर्म हो जाएगा और रबड़ हो जाता है, खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। सबसे बढ़िया चीज़ ये कि कस्टमर बैठा है तो उसके लिए फ्रेश बनाओ और फ्रेश सर्व करो, वो मेन चीज़ है। तो भाई मेन कोर्स आ चुका है मेरा, पहले आ जाओ फटाफट दिखाता हूँ कि क्या लेकर आया मेन कोर्स में। ये देखो भाई साहब, निहारी है भाई, 2 पीस डाले मैंने निहारी के, नासी गोरंग है, किमची सैलड है, और नॉर्मल सैलड। ये देखो, और हमारे शेफ साहब भी आ गए, बैठो सर। और ये मल्टी लेयर्ड लच्छा पराठा भी देख सकते हो, कितना क्रिस्पी है, खस्ता है। शेफ साहब आपने हमारे साथ ही खाना है टेस्ट करके, और बताइए कैसा बनाया मैंने, खा के बताओ कि मैंने कैसा बनाया। आपको देखिए मटन नहारी वैसी लग रही जैसे आप घूमते हैं चौक में। क्या बढ़िया जायकेदार भाई साहब, इतना बढ़िया, इतना सॉफ्ट मटन बनाया कि मज़ा आ गया सीरियसली। मैंने जान बुझ के नॉन वेज लिया है क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट यहाँ पे वेज भी उतना ही है जितना नॉन वेज है। दोनों चीज़ें, मतलब दोनों लोग निराश होकर नहीं जाएंगे, वेज वालों के लिए भी सेम वही चीज़ है, नॉन वेज वालों के लिए भी बढ़िया चीज़ है। तो भाई हम इसे करते हैं मैं अब ऑफ द कैमरा करूँगा, जो लोग बोलेंगे बहुत खाता। तो भाई शेफ जुल्फी के कहने पर हमने दाल मखनी ले ली है, क्योंकि इन्होंने बोला भाई कि आप दिल्ली से आए हो तो आप दाल मखनी टेस्ट करो। जैसे कि दादा भाई साहब, अब ये देखो भाई दाल देखो, मतलब दिल्ली वालों के लिए ना छोले भटूरे हो, छोले कुलचे हो, दाल मखनी हो, बटर चिकन हो, ये हमारी इमोशंस के साथ खेल नहीं सकता कोई बंदा। बट वाकई में कहते हैं ना वो,
दाल मखनी को पूरा जस्टिस मिला, तो बस दिल्ली वाली दाल मखनी है। एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है मेरे को, आप लोग बोल रहे हो यार 666 है और इतना फूड नहीं खा सकते हम, तो बताओ सर। सर हमने यहाँ कुछ फैमिलीज जो बजट में डाइनिंग करना चाहती हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट लाए हैं कि उनका अगर बजट नहीं है तो वो हमारा बजट बुफे ले सकते हैं, उसमें सब कुछ उनको मिलेगा, सैलड, सूप्स, मेन कोर्स, डेजर्ट्स, और उनको सिर्फ 399 देना है वेज के लिए और 499 देना है नॉन वेज के लिए। मतलब कि सीधा का सीधा 200 रुपये कम हो गया है। अगर आप आओ मेन कोर्स खाओ और इन्जॉय करो, वही चीज़ लो, सिर्फ स्नैक्स नहीं मिलेंगे, तो भाई देर किस बात की है। कभी भी आप लखनऊ आए हैं या लखनऊ आ रहे हैं तो आपने कहाँ आना है, क्राउन मॉल आना है, और इसके सामने यूनिवर्सिटी कौन सी पड़ती है, बीबीडी यूनिवर्सिटी है। गूगल पर डालो और क्राउन मॉल डालो और आप इन्जॉय करो ये लजीज खाना, शेफ के हाथ का जादू, आप भी चखो और मुझे बताना आपको कि आपको कैसा लगा। हम चलते हैं और ढूंढते हैं ऐसी कोई बढ़िया से जायके लखनऊ के अंदर।